أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركني والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اب حضرات کافی دیر سے فرش عزا پر مصروف عبادت ہیں مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سورہ مبارکہ عصر قرآن کریم کے مختصر اور جامع ترین سوروں میں سے ایک ہے بعض مفسرین کا اتفاق ہے اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کے جملہ اغراض و مقاصد کے خلاصے کا نام ہے سورہ عصر سورہ مختصر ہے لیکن اس مختصر سورے نے نظام بشریت کے سعادت اور خوشبختی کے مکمل نظام کو پیش کیا ہے کہ جس میں انسانیت کے لیے سعادت بھی ہے اور خوشبختی بھی ہے اس سورے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا اس کے بعد اصحاب پیغمبر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو بغیر اس سورے کی تلاوت کیے ہوئے جدا نہیں ہوتے تھے گویا وہ معاشرے کو خوشحالی اور خوشبختی کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ مبارک عصر کو جو بھی نافلہ نمازوں میں پڑھے گا یہ سورہ میدان حشر میں اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا وہ حشاش اور بشاش نظر آئے گا اور جنت میں داخل ہوگا نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سورے کی مسلسل تلاوت کرے گا اس کا شمار اہل حق کی جماعت میں ہوگا اور قیامت میں اہل حق کے ساتھ وہ محشور ہوگا اس سورے میں خاص بات کیا ہے
इंसान के खसारे और नुकसान का ऐलान किया गया है और साथ साथ उस नुकसान से बचने का तरीका भी बताया गया है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम है असर की, कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। इल्लल लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, आमनू, जो ईमान लाए, व अमलुस सालिहात, और आमाले सालिहा बजा लाते हैं, व तवासौ बिल हक, और वो हक की एक दूसरे को वसीयत करते हैं, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की एक दूसरे को नसीहत करते हैं। इंसान के खसारे का ऐलान इस सूरह मुबारका में वाज़ह तौर पर किया गया है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम है असर की, इंसान खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो साहिबान ईमान है। तो इसके माने ये हैं कि जो ईमानदार है वो खसारे में नहीं है, और जो ईमानदार नहीं है वो खसारे में है। क़ुरान का ऐलान है, इसलिए हर मुसलमान इसको तस्लीम कर लेगा। अल्लाह को मानता है तो उसकी बात को भी मानेगा, लेकिन जो खुदा को नहीं मानता, जो मज़हब को नहीं मानता, जो दीन को नहीं मानता, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और मुशाहिदा भी ऐसे ही है कि बेईमान हमको फ़ायदे में नज़र आते हैं और ईमानदार नुकसान में नज़र आता है, ईमानदार खसारे में दिखाई देता है। एक बस्ती के दो इंसान, दो आदमी, दोनों ने एक सरमाए से बिजनेस शुरू किया, एक सरमाया लगाया, एक चीज़ का बिजनेस, एक ही मार्केट में दोनों की दुकान, साल भर में एक जहां था वहीं रह गया और दूसरा तरक्की करके आगे बढ़ गया। इन्होंने अपने सरमाए में कोई ख़ास इजाफा नहीं किया और उन्होंने अपने सरमाए को कई गुना बढ़ा दिया। आप जा करके सवाल करेंगे, जब पूंजी एक है और तिजारत भी एक है, जगह भी एक है, तो आप पीछे कैसे रह गए, ये आगे कैसे बढ़ गए? तो जवाब यही मिलेगा कि हम बड़ी ईमानदारी से तिजारत कर रहे हैं, जो माल है वो सही माल हम देते हैं, कोई मिलावट नहीं करते हैं, किसी किस्म की हम उसमें हेरा फेरी नहीं करते हैं, ये जैसे चाहते हैं बेचते हैं, असली माल भी है, नकली माल भी है। तो नतीजा ये हुआ कि ये ईमानदार था तो नुकसान उठा रहा है, वो बेईमान था लिहाजा वो आगे बढ़ गया, तरक्की कर गया। इसी तरीके से आइए, एक बस्ती के दो इंसान एक मनसब पर फायज हुए, एक पोस्ट पर, एक फला शहर में है, दूसरा दूसरे शहर में है, दोनों की एक आमदनी, एक इनकम, लेकिन रहने वाले दोनों एक ही जगह के। एक घर में हमने देखा दौलत का अंबार है, असबाब हयात फरावां है, हर चीज़ मौजूद है, और दूसरे के घर में हमने देखा तंगी है, परेशानी है। आपने पूछा कि जब दोनों की मुलाजमत एक है तो आप क्यों पीछे रह गए, ये क्यों आगे बढ़ गए? इनका मकान भी आलीशान बन गया, इनके पास गाड़ी भी है, इनके पास हयात के हर आसाइश का सामान है, आपके पास क्यों नहीं है? जवाब ये मिलेगा, मैं बड़ी ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं किसी की खुशामद नहीं करता, मैं कोई गलत काम नहीं करता। तो नतीजा ये निकला कि ईमानदार नुकसान में है और बेईमान फ़ायदे में है। इलेक्शन की दुनिया में आइए, आप क्यों हार गए? क्या आपको नहीं मालूम इन्होंने बेईमानी की है, ईवीएम में गड़बड़ी की है, इसलिए ये कामयाब हो गए। इन्होंने लोगों को ख़रीदा है, पैसे बंटवाए हैं, हमने उसूल की सियासत की, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा, इसलिए हम हार गए। तो दुनिया का मुशाहिदा ये है कि ईमानदार खसारे में है और बेईमान फ़ायदे में है। आप जिससे भी पूछिए सब ये कहेंगे कि बेईमानी में फ़ायदा है, ईमानदारी में नुकसान है। एक तरफ सब कह रहे हैं कि ईमानदार घाटे में है, बेईमान फ़ायदे में है,
दूसरी तरफ तनहा खुदा ये ऐलान कर रहा है कि बेईमान नुकसान में है, ईमानदार फायदे में है। एक तरफ कसरत और दूसरी तरफ वहदत। अब ये बेचारा मुसलमान अक्सरियत की माने या वहदत के ऐलान को तस्लीम करे, क्योंकि खुदा को मानता है लिहाजा खुदा की बात भी मानना पड़ेगी। अल्लाह ने कह दिया है इसलिए हमको मानना है कि साहिबान ईमान फायदे में है। अब बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, अक्सरियत कह रही है कि ये नुकसान में, और खुदा कह रहा है कि साहिब ईमान फायदे में है, साहिब ईमान मनफात में है। मुसलमान है तो मानना पड़ेगा जो खुदा कह रहा है। इसी तरीके से एक लाश मैदान में पड़ी हुई है, सरो तन जुदा है, जो भी उधर से गुजर रहा है उससे पूछिए कि जिंदा है या मुर्दा, सब ये कहेंगे ये मुर्दा है। इसमें किसी फिरके का हो, किसी मसलक का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, सब ये कहेंगे ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है। अब ये एक मैदान ऐसा है कि जहां जाने वाला मुजाहिद अपना गला कटा देता है। सब कह रहे ये मुर्दा, खुदा कह रहा मुर्दा गुमान भी ना करना। तो अब खुदा की बात मुसलमान मानेगा या जो सब कह रहे हैं? जब ये उसूल मुरतब हो गया तो फिर इजमा की कोई हैसियत नहीं रह गई। सब कह रहे हैं कि ये खलीफा, सब कह रहे हैं कि ये अमीर, खुदा कह रहा नहीं ये अमीर। अगर हकीकी मुसलमान हो तो खुदा की मानो, जिसको खुदा ने इमाम बनाया है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। जिसको सबने मिल करके माना है तो ये कसूल कायम हो गया। तो ऐलान क्या है? वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम है जमाने की ये इंसान खसारे में है, ये इंसान घाटे में है, ये इंसान नुकसान में है। तो ये इंसान ही क्यों नुकसान में है? मलक क्यों नहीं नुकसान में है? जानवर क्यों नहीं नुकसान में है? इंसान ही के खसारे का ऐलान क्यों किया? परवरदगारा तूने इसके सर पर ताज इज्जत करामत को रखा, लकद करमना बनी आदमा का ताज इसके सर पर सजाया, तूने इसको अहसन तकवीम बनाया, लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को अहसन तकवीम पर खल्क किया। एक तरफ इंसान की ये बुलंदी और दूसरी तरफ ऐलान ये है कि इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है। एक तरफ ये ऐलान कि उलाय का कल अनआम बल हम अजल सबीला, ये जानवरों जैसे हैं बल्कि जानवरों से भी बदतर है। अजीजों, कायनात की करोड़ों मखलूकात का तज्जिया अगर आप करें, जायजा लें, तो तमाम मखलूकात की तीन ही किस्में हैं। एक मखलूक वो जिसको अल्लाह ने अक्ल व शऊर व विजदान अता किया लेकिन ख्वाहिशात नहीं दी हैं, तमन्नाएं नहीं अता की हैं। और एक मखलूक वो कि जिसको अल्लाह ने ख्वाहिशात दी हैं, तमन्नाएं दी हैं लेकिन अक्ल व शऊर व विजदान नहीं अता किया। और एक मखलूक वो जिसको अल्लाह ने अक्ल व शऊर भी दिया है और ख्वाहिशात भी दी हैं। जहाँ सिर्फ अक्ल व शऊर पाया जाता है, ख्वाहिशात नहीं पाई जाती हैं, वो हैं मलक, वो हैं फरिश्ते, जहाँ उनकी कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है, उनका कोई अपना इरादा नहीं है, उनका कोई अपना अख्तियार नहीं है। वो जिस हालत में खल्क किए गए हैं उसी हालत में है। अगर रुकू के आलम में खल्क किए हैं, किया गया है, तो हालत रुकू ही में है। अगर वो हालत सजदा में पैदा किए गए तो हालत सजदा में है, अगर हालत क़याम में है तो हालत क़याम ही में रहेंगे। यानी उनके यहाँ तगैर व तबद्दुल नहीं है, उनके यहाँ ख्वाहिशात नहीं है, उनके यहाँ तमन्नाएं नहीं है। ये है मलाइक। दूसरे हैवानात जानवर जिनके यहाँ सिर्फ ख्वाहिशात हैं, वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना जानते हैं, उनको इससे मतलब नहीं कि उनकी ख्वाहिश इज्जत से पूरी हो रही है या जिल्लत के साथ।
हलाल है या हराम है, उनका है या पराए का है, उनका हक है या नहीं है, उनके अपने मालिक का खेत है या दूसरे का है, अगर भूख लगी है तो वो चर जाएंगे, अगर ख्वाहिश है तो उसकी तकमील वो करेंगे। तो अजीजों, एक तरफ मलाइक हैं और दूसरी तरफ जानवर हैं। मलाइक वो जहाँ अक्ल व शऊर पाया जाता है, हैवान वो कि जहाँ पर अक्ल व शऊर नहीं पाया जाता, सिर्फ ख्वाहिशात पाई जाती है। दरमियान की बैलेंस मखलूक का नाम है इंसान, कि जहाँ अल्लाह ने अक्ल व शऊर भी दिया है और जहाँ ख्वाहिशात भी दिया है। ये इंसान जब अक्ल व शऊर की इंतहा पर पहुँचता है तो मस्जूद मलक बनता है, और जब ख्वाहिशात का असीर होता है तो उलाए का कल अनाम बल हम अजल सबीला का मिज़दाक बनता है। ये जानवरों जैसे हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इंसान के दोनों पहलू हैं, एक पहलू वो है जो कमाल का है, और एक पहलू वो है जो इंसान के जवाल का है। अजीजों, जब लकब करमना बनी आदमा कहा, जब ये ऐलान किया फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो जात के जो खालिकीन में सबसे अहसन है, सबसे बेहतर है, तो वहां पर मिज़दाक और मुराद कैसे इंसान होंगे। वहां जहां ये कहा लकद करमना बनी आदमा, तो इसके मिज़दाक आदम हैं, नूह हैं, इब्राहिम हैं, मूसा हैं, ईसा हैं, पैगंबर इस्लाम हैं, आइम्मे किराम हैं, और जहां ये ऐलान किया उलाए का कल अनाम, तो इससे मुराद काबिल है, फिरौन है, नमरूद है, हामान है, शद्दाद है। तो ये दोनों किस्में इंसानों की हैं। इंसान में दोनों पहलू पाए जाते हैं, एक कमाल का और एक जवाल का। और यही वजह है कि जब कमाल की तरफ जाता है तो ये उसका फायदा है, और जब इंसान जवाल की तरफ जाता है यही इसका खसारा है। ये इंसान आलिम भी है, ये इंसान जाहिल भी है, ये इंसान आदिल भी है, ये इंसान जालिम भी है, ये इंसान सखी भी है, ये इंसान बखील भी है, ये इंसान शुजा भी है, ये इंसान बुजदिल भी है, ये इंसान शराफतों का पैकर भी है, ये इंसान खबासतों का मुजस्मा भी है। इंसान कमाल पर आए तो मलाइक भी उसकी गर्द पाको ना पा सके, इंसान जवाल पर आए तो जानवरों से बदतर कहलाए। सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, जहां इंसान के खसारे का ऐलान किया है कि ये इंसान खसारे में है, हमने फायदा किसको समझा? दौलत को, इक्तदार को, शोहरत को, ये तमाम चीजें हासिल हो जाए तो वह इंसान फायदे में है, वह इंसान मनफात में है। लेकिन दीन ने जो तसव्वुर पेश किया इंसान के फायदे का, वो हमारे नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान मुल्क का हाकिम बन जाए तो कामयाब है या नहीं, पूरी दुनिया उसको पहचानने लग जाए कामयाब है या नहीं है, उसके मर जाने के बाद, सदियां गुजर जाने के बाद भी लोग उसको जानते हो तो कामयाब है या नहीं है, यही तो उसूल कामयाबी है। अजीजों, दुनिया में एक फातह आजम था जिसने 39 साल उम्र पाई, और 39 साल की उम्र में 39 मुल्कों को फतह किया, कहाँ यूनान और कहाँ हिंदुस्तान, फातह आजम कहलाया। जिस आबादी की तरफ से गुजरा उसको वीराने में तब्दील कर दिया, जिस ताज को देखा उसको ठोकरों पर रख लिया, जिस तख्त पर निगाह जमाई उस तख्त पर कब्जा कर लिया। 39 साल में 39 फतूहात, तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी, मिसाइलों का दौर नहीं था, एटमी असलहे नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल था। चुनांचे किताब दास्तान में इसका वाकया मिलता है कि इसने एक मुल्क पर हमला करने का इरादा किया। उस मुल्क का हाकिम अक्लमंद था, उसने अपनी ताकत को देखा,
और ये फैसला किया कि मुकाबला मुमकिन नहीं है, हलाकत है। पैगाम भेजा, हम मुसालहत पर तैयार हैं, आपको खिराज चाहिए, हम खिराज दे देंगे। आप जिस एतबार से पसंद फरमाएं, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। उस फातह आजम ने उसको कबूल कर लिया। इस हाकिम ने कहा, जब आप मेरे मुल्क की सरहद के करीब आ गए हैं तो मेरे मेहमान बन जाइए। उस फातह आजम ने कबूल किया, उसका मेहमान बन गया। ज़ियाफ़त का इंतज़ाम हुआ, अनवा अकसाम के खाने पकाए गए, दस्तरखान बिछ गया, उसके फौज के सिपाही खाना खाने लगे। लेकिन फातह आजम के सामने जो दस्तरखान बिछाया गया, उसमें रोटियां नहीं रखी गईं, उसमें कौरमे नहीं आए, उसमें अनवा अकसाम के खाने नहीं आए, उसमें हीरे और जवाहरात आए। लाल शब चिराग को ला के रखा गया, उसमें दीनार को रखा गया, उसमें दौलत को के अंबार लगाए गए और उसके सामने रख दिया। वक्त गुजरता जा रहा है, भूख बढ़ती जा रही है। उस फातह आजम ने कहा कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, खाने का वक्त है, खाना ला करके पेश करो। उसने कहा, हुजूर ये तमाम चीज़ें आप ही के लिए हैं, इसको देखिए, आंखें ठंडी कर लीजिए, इसको देखिए, शायद आपकी भूख मिट जाए, शायद ये आपके कुछ काम आए। का उसने जवाब दिया कि इन चीज़ों को देख करके खुश तो हुआ जा सकता है, मगर ये ना खाने का बदल है ना पानी का बदल है। अल्लाह की इस नेमत का अंदाज़ा लगाएं कि अगर हीरे की वादियों में आपको पहुंचा दिया जाए, जहां हर तरफ हीरे ही हीरे हों, आप बताइए कि वहां पानी की कीमत ज़्यादा होगी, खाने की कीमत ज़्यादा होगी, या हीरे और जवाहरात की कीमत ज़्यादा होगी? वहाँ कीमत ज़्यादा होगी पानी की, खाने की। उसने कहा, मेरे लिए ग़िज़ा लाओ। कहा, हुजूर आपकी ग़िज़ा क्या है? कहा, वही जो तुम खाते हो, जो आम इंसान खाते हैं। कहा, आप इतने बड़े फातह आज़म और आपकी भी ग़िज़ा वही गंदम है, आपकी ग़िज़ा भी वही है जो हम खाते हैं। कहा, हाँ। दस्तरखान पर ग़िज़ा हाजिर कर दी गई, लेकिन उस हाकिम ने एक जुमला कहा, हुजूर ये आप बताइए कि क्या आपके मुल्क की सरहदों में यह गल्ला नहीं था, यह खाना नहीं था कि जिसकी वजह से आपने आबादियों को वीरानों में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से आपने बच्चों के सरों से बाप का साया छीन लिया, बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया? यह लम्हे फिक्रिया था उस फातह आजम के लिए। चुनांचे वहां से वापस आया, बीमार पड़ा, अतिब्बा इलाज से आजिज, न दौलत काम आई, न शोहरत काम आई, न इख्तदार काम आया, न हन पोश फौजों का हुजूम काम आया। हर चीज बेकार, हर चीज रायगा, अब ना उम्मीद हो गया कि इस दुनिया से जा रहे हैं। उसने अपने उस्ताद से कहा, काश हमको मालूम हो जाता कि इंसान की सआदत और खुशबख्ती का राज क्या है, तो मैं दौलत के पीछे न भागता, मैं इख्तदार के पीछे न भागता। और फिर उसने ऐलान किया कि मेरे दोनों हाथों को बंदे कफन से बाहर निकाल दो, ताकि दुनिया देख ले कि इतने खजानों का मालिक इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, सब यहां छोड़ करके जा रहा है। यानी अपने खसारे का ऐलान किया कि हम घाटे में इस दुनिया से जा रहे हैं। दुनिया जिसको कामयाब कह रही थी, दुनिया जिसको फातह आजम कह रही थी, वो अपनी नाकामी का ऐलान करके जा रहा था, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं उस हस्ती के ऊपर कि जिसकी ग़िज़ा नान जौ थी, जिसका लिबास पैवंदार था। जब इस दुनिया से जाने लगा, ऐलान किया, फुस्तो रब्बिल काबा, सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रब काबा की कसम, मैं कामयाब गया। यह ऐलान अमीरुल मोमिनीन का है। और अजीजों, फातह आजम ने क्या कहा था? मेरे दोनों हाथों को बंदे कफन से बाहर निकाल दो, ताकि दुनिया यह समझे कि मेरे दोनों हाथ खाली हैं। अजीजों, खुद कामयाब होना बड़ी कामयाबी नहीं है,
बल्कि चाहने वालों को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देना, यह बड़ी कामयाबी है। चुनांचे अगर खुद कामयाब होना कामयाबी होती तो अमीरुल मोमिनीन आयत तत्हीर के नाजिल होने के बाद फौरन अपनी कामयाबी का ऐलान करते। नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर इस्लाम से सवाल किया, अखबिरनी या रसूल अल्लाह माल जुलूसना हाज़ा मिनल फज़्ल इंदल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल आप बताइए कि पेशे परवरदिगार हमारी इस नशिस्त का रुतबा और मर्तबा क्या है। चुनांचे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, फिय जम उन मिन शीअतना व मुक़द्दबीना इल्ला व नज़लत अलैहिम अर्रहमा व हफ़त बिहुमुल मलाइका। इसमें हमारे चाहने वाले हमारे मुहिब इकट्ठा हो जाते हैं, फरिश्ते आकर के उनको घेर लेते हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। इसमें कोई रंजीदा बैठेगा, रंज दूर हो जाएगा, गमज़दा आएगा, गम दूर हो जाएगा, साहिब हाजत आएगा, उसकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इज़म वल्लाह फ़ज़ना सईदना व कज़ालिका शीअतना फ़ाज़ू सईदू। तब कसम खुदा की हम कामयाब हुए और हमारे चाहने वाले भी कामयाब हो गए, हमारे चाहने वाले भी कामयाब हो गए। और ये कामयाबी ही है कि आज अहले बैत का चाहने वाला ये नहीं कहता कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, बल्कि वो मुस्कुरा करके ये ऐलान करता हुआ जाता है कि हमारे दोनों हाथ सिकंदर की तरह खाली नहीं है, एक में कुरान है, दूसरे में इतरत का दामन है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, इस सूरह मुबारका में इंसान के खसारे और नुकसान का ऐलान किया है। याद रखें कि इंसान का असल सरमाया क्या है। असल सरमाए में कमी हो जाए तो यही नुकसान है, यही खसारा है। ये ऐलान नहीं किया कि ताजर खसारे में है, ये ऐलान नहीं हुआ कि ज़राअत करने वाले नुकसान में है, ये ऐलान नहीं हुआ कि मुलाजमत करने वाले नुकसान में है। ऐलान हो रहा इंसान खसारे में है, इसलिए कि कोई ताजर पैदा नहीं होता यहाँ बनता है, कोई आलिम पैदा नहीं होता यहाँ बनता है। इंसान इस दुनिया में आया क्या सरमाया लेकर के आया? इंसान दो चीजों से बना हुआ है, एक है रूह और एक है जिस्म। तीसरी चीज इस दुनिया में आने के बाद उससे वाबस्ता हो जाती है। इंसान को अगर अल्लाह ने बराह रास्त इस दुनिया में उतार दिया होता, दरख्तों की तरह से उगा दिया होता, तो इंसान दरख्तों की तरह होता ना, ये रिश्ते तो नहीं होते ना, ये ताल्लुकात तो नहीं होते ना। ताल्लुकात बने हैं इस बुनियाद पर कि एक माँ और एक बाप के जरिए पैदा किया। जब माँ और बाप के जरिए इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया में आने के बाद वाबस्ता हो गए ये ताल्लुकात। अब किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का दोस्त बनेगा, तो ये तमाम रिश्ते इस दुनिया में आकर के। अब ये तीन चीज़ें हैं, एक है रूह, एक है जिस्म और एक है ताल्लुकात। सूरह मुबारक असर में यही तीन चीज़ें हैं का रूह के लिए है ईमान, जिस्म के लिए है अमल साले और ये ताल्लुकात और मुआशरे के लिए हक व सब्र की वसीयत है। मुहकम निजाम इस सूरे में इंसान की सआदत और खुशनसीबी का है, यानी अकीदे और अमल का मुहकम निजाम है। इल्लल्लज़ीन आमनू
وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. انسان بحیثیت انسان پیدا ہوا ہے, یہ اس کا کمال نہیں ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ انسانیت کی سرحدوں سے آگے بڑھ کر کے صاحب عمل و کردار بن جائے, صاحب ایمان بن جائے. ورنہ خالی انسان ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر اس انسانیت کو برقرار نہیں رکھ پائے گا تو پھر یہ جانور ہے. یہودیوں کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار, وہ لوگ جنہوں نے توریت پر عمل کیا اور پھر اس کے بعد میں عمل کرنا چھوڑ دیا, وہ مثل گدھے کے ہیں. یعنی کتاب الہی پر عمل کر کے عمل کرنا چھوڑ دے انسان تو پھر وہ انسان نہیں, کمثل الحمار, وہ مثل گدھے کے ہیں. اچھا, اتنے تمام جانور ہیں, کسی اور جانور کی مثال کیوں نہیں دی؟ سورہ مبارکہ جمعہ میں بار بار آپ دہراتے ہیں کمثل الحمار, یہ مثل حمار کے ہیں, مثل گدھے کے ہیں. گدھے نے کیا بگاڑا تھا؟ اتنے جانور ہیں, کسی اور جانور کی مثال دی ہوتی. یہ بیچارہ محنت کرتا ہے, مالک کی مار کو سہتا ہے, جفا کشی کرتا ہے, اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے, کتاب الہی پر عمل نہیں کرتے, وہ مثل گدھے کے ہیں. گدھے میں کمی کیا ہے؟ سیدھا جانور ہے نا. کمی یہ ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتا, عقل کا فقدان ہے, اس لیے اس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے. میں مثال دے دوں. ایک صاحب آتے ہوئے ملے, بیگ لیے ہوئے, سلام کیا. میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, مسکرا دیے, ہنس دیے. ہم نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر وہ ہنس دیے. میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے کہا مولانا آگے بڑھیے, یہ کچھ کم نظر آ رہے ہیں. ہم نے کہا کمی کیا ہے؟ ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, اعضا اور چوارے بھی سلامت ہیں, آپ کو کون سی کمی نظر آ گئی؟ کہا ان کے پاس عقل نہیں ہے, یہ دیوانے لگتے ہیں. ہم نے کہا کیا آپ نے عقل کو دیکھا ہے؟ کہا عقل دیکھنے کی چیز نہیں ہے. ہم نے کہا پھر آپ نے دیوانگی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے دیا ان کو؟ کہا ابھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم. انہوں نے ہنس کر کے جواب دے دیا, ہنس دیے, یہ نہیں بتا سکے کہاں سے آ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ, انہوں نے جواب نہیں دیا, نہیں بتا سکے, ہنس دیے. تو جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ کہاں سے آئے ہیں اور جس کو یہ نہ معلوم ہو کہاں جانا ہے, اس کو دیوانہ ہی تو کہا جائے گا. تو ایسے کو دیوانہ ہی کہا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو پچاس کہاں سے ہے, جانا کہاں سے ہے, تو جس نے اپنی زندگی کے 50 سال کے سفر کو مکمل کر لیا ہو, نہ آغاز معلوم ہے اور نہ انجام معلوم ہے, اور نہ اس سلسلے میں کوشش ہے اور نہ اس سلسلے میں سعی ہے. عزیزوں, ابتدا بھی معلوم ہونا چاہیے اور انتہا بھی. اور اسی بات کو معصوم نے اس انداز میں سمجھایا, العقل ما عبد به الرحمن وقت سبا به الجنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے,
रहमान की इबादत इस बात का ऐलान है हम कहां से आए हैं, जन्नत का हुसूल इस बात का ऐलान है कि हमको कहां जाना है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की मुकम्मल तफसीर है। अल अक्लु मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तु सिबा बिहिल जनान। सलावात भेजिए बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। अजीजों, अपने गुफ्तगू को समेटते हुए, अगर रूह ईमान से खाली है तो इंसान खसारे में है। आज़ा और जवारे के साथ आमाले सालेहा नहीं है तो इंसान खसारे में है। समाज और माशरे में अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर नहीं है तो इंसान खसारे में है। ये तमाम चीज़ें यकजा होती हैं तो इंसान खसारे से निकल करके जानिब कमाल सफ़र करता है। अजीज़ों, इंसान होना ये कमाल नहीं है, इंसान और है और ईमान और है। इंसान जिस्म और रूह के मुरक्कब का नाम है और ये रूह है जो जिस्म इंसानी को मुतहर्रिक रखती है। इंसान कभी बच्चा होता है, कभी लड़कपन की मंजिल में आता है, बूढ़ा होता है और बुजुर्ग होता है, मरीज होता है, सेहतमंद होता है, ये तमाम बातें हैं, लेकिन ईमान की दुनिया में ऐसा नहीं है। ईमान की दुनिया में तब्दीली नहीं है। ईमान की जो कैफियत है वो बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक बरकरार रहती है। यानी कि ये बच्चा है तो इसका ईमान कम है और वो बुजुर्ग हैं उनका ईमान ज्यादा है, ये बीमार हैं इनका ईमान कमजोर है और वो सेहतमंद हैं उनका ईमान भी वैसे ही सेहतमंद होगा। नहीं, हमने देखा है कि ईमान की कैफियत बहरहाल जो आगाज में है वही इंतहा में है। हमने देखा कि बचपना है मगर कुल ईमान है, बुढ़ापे की मंजिल में है मगर बेईमान है। और इसकी मिसाल भी तारीख इस्लाम में कि बच्चे ने तस्दीक रसालत की, बूढ़े ने नबूवत में शक किया। सेहतमंद ने मैदान अमल से फरार अख्तियार किया, मरीज ने हालत मर्ज के बावजूद रोजे रखे। जहां सेहतमंद रोजे छोड़ दे तो इसके माने यह है कि ईमान के एतबार से मरीज है, ईमान नहीं है। और जहां मरीज भी रोजे रख रहे हो, सूरह दहर नाजिल हो रहा हो, तो ईमान न मरीज होता है न ईमान में बचपना पाया जाता है। और एक बात और है कि रिश्ता जो असल रिश्ता है वो ईमान का है। इंसानी रिश्ते और होते हैं और ईमानी रिश्ते और होते हैं। इंसानी रिश्ते के एतबार से कनान भी जनाब नूह का बेटा है, इंसानी रिश्ते के एतबार से जनाब नूह की जौजा जनाब नूह की जौजा है, लूत की जौजा रिश्ते के एतबार से एक नबी की जौजा है, लेकिन ईमान के एतबार से बेटा है मगर नाअहल है, जौजा है मगर खाइन है। कुरान में सनद मौजूद है। तो ईमान के रिश्ते और होते हैं और इंसान होने की हैसियत से रिश्ते और होते हैं। अबू लहब इंसानी रिश्ते के एतबार से पैगंबर का चचा है, लेकिन ईमान के एतबार से अबू लहब से कोई राबिता कोई ताल्लुक नहीं। याद रखें कि ईमान का रिश्ता और होता है और इंसानी रिश्ता और होता है। ईमान के एतबार से हो सकता है कि कोई रिश्तेदारी ना हो तब भी एक रिश्ता है, और वो रिश्ता कौन सा है? तमाम मोमिनीन आपस में
भाई भाई हैं, बाप बेटे नहीं है। रिश्ते बाप बेटे का भी रिश्ता है, भाई भाई का भी रिश्ता है। यह ऐलान नहीं किया कि तमाम मोमिनीन आपस में बाप बेटे। याद रखें कि यह रिश्ता बराबरी का नहीं है, या रिश्ता कमतर होगा या बुलंद होगा या बराबर का होगा। जब सब मोमिन है, साहिब ईमान है, तो रिश्ते के एतबार से सब बराबर होंगे। अजीजों, इस बात को याद रखें कि ईमान के एतबार से अबू लहब चचा होने के बावजूद पैगंबर का रिश्तेदार नहीं है। यही ईमान के एतबार से सलमान गैर होते हुए मिन्ना अहलुल बैत के मिज़दाक है। जनाब सलमान फारसी, फारस के रहने वाले, तो ईमान की दुनिया अलग है और इंसान अलग है। इंसानियत से आगे बढ़ करके साहिब किरदार बने। अब यहीं से एक बात और रब्ते मसाइब। अजीजों, ऐलान किया वल असर इंदल इंसान अलफ खुसर, तमाम इंसान घाटे में है। यह ऐलान क्यों नहीं किया कि तमाम इंसान फायदे में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान नहीं लाए, बेईमान हैं, उन लोगों के जो नेक अमल नहीं बजा लाते, उन लोगों के जो हक और सब्र की वसीयत नहीं करते। का नहीं, सारे इंसान खसारे में है, सारे इंसान घाटे में है। याद रखें कि अक्सरियत का तस्किरा पहले होता है। मिसाल के तौर पर इस मजलिस में आबादी तकरीबन 25-30 गांव जलालपुर मिला करके एक अच्छी खासी आबादी 50,000 की आबादी है। हम ये ऐलान करें कि 50,000 मोमिनीन में से हम ये कहें कि सिर्फ 1,000 यानी सब आए, सिर्फ 49,000 नहीं आए, गलत बात मैंने कहा कि सब आए, सिर्फ 49,000 नहीं आए, आप हंस दिए। हमने इसी ऐलान को बदल दिया, हमने कहा कि 49,000 आए, सिर्फ 1,000 नहीं आए। बात एक ही है अजीजों, अक्सरियत का जिक्र पहले और जिसका इस्तिस्ना करना है, जो अकलियत है, उसका तस्किरा बाद में। ये एक उसूल है, ये एक कायदा है। कुरान ने ऐलान किया कि अक्सरियत घाटे में है, अक्सरियत नुकसान में है, अक्सरियत खसारे में है। अब आइए, जनाब आदम के ज़माने से लेकर के और आज तक अक्सरियत नुकसान वालों की है, अक्सरियत घाटे वालों की है। बहुत कम हैं जो साहिबान ईमान और साहिबान किरदार हैं और समाज और माशरे को नेक बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम है। जनाब आदम से लेकर के और इस जमाने तक कुरान करीम की इस आयत के बरक्स नबी करीम का ऐलान है कि जब हमारा कायम जुहूर करेगा तो यमलउल अर्दा किस्तम व अदला कमा मुलेअत जुल्मन व जौरा, वो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे कि ये जमीन जुल्म व जौर से भरी हुई थी। तो इसके माने ये हैं कि अक्सरियत किसकी होगी, जब अदल वाले होंगे ना, जब इंसाफ वाले होंगे ना, जब अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले होंगे ना, जब उनसे भर जाएगी तो अक्सरियत किसकी होगी। कुरान कह रहा है कि अक्सरियत घाटे वालों की है। इमाम जब आएंगे तो आप ये बताइए कि अक्सरियत घाटे वालों की होगी या फायदे वालों की होगी। अब तो अक्सरियत फायदे वालों की है, तो ये कुरान के खिलाफ बात होगी। कुरान कह रहा अक्सरियत घाटे वालों की है और नबी ऐलान कर रहे हैं कि एक जमाना वो आएगा जब अक्सरियत फायदे वालों की होगी, साहिबान ईमान की होगी, साहिबान अदल व इंसाफ की होगी। अजीजों, फर्क पहचाने के जमाना, जमाने के तहत
जब अक्सरियत चलती रहेगी, असर के तकाजों के मुताबिक चलती रहेगी अक्सरियत, तो हमेशा नुकसान में होगी, हमेशा खसारे में होगी, हमेशा घाटे में होगी। और जैसे ही जमाने के असर से निकल करके साहिब असर के असर में आ जाएगी, साहिब असर के तहत आ जाएगी, तो अब यही फायदे में है। जमाना बनता किससे है? जमाने के लिए आफ्ताब है ना, आफ्ताब तुलू होता है, आफ्ताब गुरूब होता है, और इसी से दिन है, इसी से रात। आफ्ताब नहीं है तो रात है, और आफ्ताब मौजूद है तो दिन है। और जब ये दोनों चीजें हो गई तो एक दिन बना, दिन से महीना बना, महीने से जमाना। तो जमाना किसके तहत चल रहा है? आफ्ताब। आफ्ताब से जमाना है, क्योंकि दिन और रात आफ्ताब से है कि जब आफ्ताब रहेगा तो दिन है, नहीं रहेगा तो रात है। इसी से महीना, इसी से साल। अजीजों, वह फर्क पहचाने कि असर है आफ्ताब से, लेकिन जिसको साहिब असर बनाया उसके कब्जे में आफ्ताब को रखा, डूबते हुए आफ्ताब को पलट करके बताया कि हम साहिब असर हैं। ये अली पहले साहिब असर हैं, आखिरी इमाम, आखिरी साहिब असर होंगे। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोनों के मातहत ये जमाना। अजीजों, याद रखें कि इस दुनिया में इंसान आता है, इस दुनिया में जो भी हासिल करता है सब छोड़ करके जाता है, ईमान और किरदार लेकर के जाता है। जिन मरहूम के लिए फर्श अज़ा को बिछाया गया है, तकरीबन एक साल पूरे होने को है, वाकई नाम आफ्ताब था, तो अल्लाह ने वैसी खुसूसियात उनके अंदर रखी थी। ज़ाकिर अहले बैत थे, शायर अहले बैत थे, दो फजीलतें। इसके अलावा कौम और माशरे के लिए फिक्रमंद रहा करते थे। हमारा इदारा वफ़ीक़ा अरबी कॉलेज तकरीबन 20 साल तक मैनेजिंग कमेटी के मेंबर रहे, और मेंबर ही नहीं रहे बल्कि बाकायदा मदरसे में जो भी ज़रूरत होती थी उसको पूरी करते थे, हर एतबार से सरपरस्ती करते थे। मदरसे का कहीं पैसा खर्च नहीं होने देते थे, बहुत से मुकदमात थे, तमाम चीज़ें थी। अजीज़ों, याद रखें कि एक दीनी इदारे में मदद करना कितने बड़े सवाब का सबब बनता है जिसका एहसास नहीं। ये जो फर्श अज़ा बिछाया गया है ना, जितने मोमिनीन आए हैं, ये मजलिस हो रही है, तो एक सवाब तो शिरकत करने वालों को है, एक सवाब फर्श अज़ा को बिछाने वाले के लिए है, एक सवाब उस ज़ाकिर को मिलेगा जिसने मकासिद अहले बैत को बयान किया, एक सवाब हमारे उस्ताद को मिलेगा जिसने हमको इस लायक बनाया, एक सवाब हमारे वालिदैन को मिलेगा, एक सवाब उस इदारे में तआवुन करने वालों को मिलेगा। जितने लोग किसी इदारे से वाबस्ता हों और उसमें बेअय्ये नहविन कोई भी मदद कर रहे हों, उससे जितने तलबा निकलेंगे, जितने उलमा निकलेंगे, नेकियां वो करेंगे, नामे आमाल में उसके लिखा जाएगा जिसने तआवुन किया है। यह खैर जारिया है। मरहूम खुद भी इल्म दोस्त थे, अपने तमाम बच्चों की तरबियत भी की। अजीजों, मैं तो था, बड़ी शान से जनाजा उठा जबकि एक बेटा नहीं था। आयजा पहुंच गए पाबंदियों के बावजूद,
लॉकडाउन का ज़माना था, लोग आ गए, नमाज जनाजा हुई, कब्रस्तान तक मशायत जनाजा करने वालों की कसीर तादाद थी। जाहिर बात है कि बेटा बाप के आखिरी वक्त करीब नहीं है, लेकिन सुकून तो है, चचा मौजूद है, भाई मौजूद है, आइज़्ज़ा अक़रबा भी हैं, ख़बर भी मिल रही है, फ़ोटो भी जा रही है कि बड़ी शान से जनाजा उठा है करबला में। इमाम हुसैन की हस्ती कोई मामूली हस्ती नहीं थी, मज़लूम करबला जन्नत के सरदारों में से एक सरदार थे, इमाम वक्त थे, रसूल के दोष के सवार थे, मुसलमान उनको जानते और पहचानते थे। कोई तसव्वुर कर सकता है कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम सजदे को तूल दे दें, जिसके लिए रसूल इस्लाम नाका बन जाए, उसको भूखा और प्यासा घेर करके इस तरीके से शहीद किया जाए कि इमाम भूखे हैं, इमाम प्यासे हैं, जख्मों से चूर चूर हैं, जिस्म पर जो जख्म है वो है, दिल में जो जख्म लगे हुए हैं उसको कोई शुमार नहीं कर सकता, असहाब के गम का जख्म, आइज़्ज़ा अक़रबा का गम, ये तमाम सदमात इमाम दिल में लिए हुए हैं। और ऐसा मज़लूम इमाम जिसके आइज़्ज़ा के लाशें पड़े हुए हैं, जो किसी को दफन नहीं कर सका है, अब उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, कोई नैजा मार रहा है, कोई तीर का निशाना बना रहा है। रवायत कहती है खबीस अबू अय्यूब गनवी इमाम के बिल्कुल करीब आ गया, और करीब आने के बाद में इमाम के हलक का निशाना लिया और तीर इमाम के हलकों पर मारा, इमाम तड़प गए, तीर को खींचा, लहू का फव्वारा जारी हो गया। अभी इस सदमे से इमाम निकलने नहीं पाए थे कि सिनान ने एक ऐसा नैजा मारा कि अब इमाम से घोड़े पर संभला न गया। इमाम जीन से ज़मीन पर इस अंदाज में तशरीफ़ लाए कि काफ़ी देर तक नैज़ों पर बुलंद रहे। ऐ काश कोई आबिद बीमार को जाकर के इत्तला दे दे, मौला आप खैमे में हैं, आपके बाबा घोड़े से ज़मीन पर आ गए हैं, अरे नैज़ों पर मुअल्लक है, जाइए खबर लीजिए। इमाम गश में पड़े हुए हैं, जनाब ज़ैनब खैमे से निकल आई, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं भाई नजर ना आया, एक बुलंदी पर चली गई जिसको तिल्ले ज़ैनबिया कहते हैं, वहां से जब दाहिने देखा बाएं देखा, नशेब की जानिब जब देखा तो मालूम यह हुआ कि किसी को घेरे हुए कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब जो गौर किया कोई और नहीं बल्कि माजाया जमीन पर है, शिमर सवार है, कंजर बकफ है। बहन तड़प गई कि भाई का गला काटा जा रहा है, इतना मजबूर है बहन कि किसी को बुला नहीं सकती, क्या करे। एक भतीजा है जो गश के आलम में खैमे में पड़ा हुआ है, एक मर्तबा पे सरे साथ की तरफ रुख किया, और साथ के बच्चे तू देख रहा है मेरा भाई ज़िबा किया जा रहा है, वो हुसैन जो जख्मों से चूर चूर है, थोड़ी देर के मेहमान है, पिसरे साथ शिमर से कह खंजर को रोक ले, मेरा माँ जाया ऐसे ही दम निकल जाएगा, भूखा और प्यासा भी है, इतने जख्म तने पाक पर लगे हुए हैं, गला काटने की तकलीफ न दे। पिसरे साथ ने कोई जवाब न दिया बल्कि मुंह मोड़ लिया, जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, ये नाना आप देख रहे हैं मेरे भाई का गला काटा जा रहा है, मैं किसको
फरियाद, किससे फरियाद करूं, किसको पुकारूं। अरबाब आज़ा इमाम हुसैन का गला कटता रहा, बहन फरियाद करती रही। जनाब ज़ैनब वहां से खैमे में आई, ये मंजर देखा न गया, जमीन करबला हिलने लगी, आसमान लड़फने लगा, सियाह और सुर्ख आंधियां चले, आफ्ताब को गहन लगा। जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को जगाया, ए मेरे लाल गश से आंखें खोलो, ये कयामत कैसी है। पुपी अम्मा खैमे का पर्दा उठाए, खैमे का पर्दा उठा, बाप के सर को नोके रेजा पर देखा। मैं मरहूम के फर्जंदों से कहूँगा कि तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे बाबा को बड़े ही इज्जत और एहतराम से दफन किया गया, तुम परदेश में मौजूद थे लेकिन कोई कमी नहीं हुई, सब मौजूद थे। ज़रा इमाम सज्जाद के कल्ब से पूछे कि जब वो गुजरे हैं या ग्यारहवीं मुहर्रम को उस तरफ से ले जाया गया जिधर बाप का लाशा पड़ा हुआ था, जब मंजर इमाम सज्जाद ने देखा तो सकता तारी हो गया। अरे तन पर सर नहीं था, बदन पर कफन नहीं था, पसलियाँ टूटी हुई थी और इस अंदाज में टूटी हुई थी कि इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम उस शहीद पर कि जिसकी दाहिनी जानिब की पसलियाँ टूट करके बाईं जानिब आ गई। अरे बाईं जानिब की पसलियाँ टूट करके दाहिनी जानिब आ गई। सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्यमुन क़लबिन यनक़लबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل بجاه محمد واله الطاهرين। आप हजरात से इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम सैयद आफ्ताब रज़ा इबन मौलाना सैयद अज़ाहिर हुसैन आलल्लाहु मक़ामा के नाम पढ़ के इसाल फरमाएं।